हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वी रीड अबाउट सेल। इन द फर्स्ट लेक्चर वी रीड अबाउट सेल। व्हाट इज द सेल? सेल इज ए लिटिल रूम विच डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से, जो उन्होंने खुद ही बनाया था माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा था, जो कि डेड सेल था और बार्क का, एक पेड़ के बार्क का टुकड़ा था, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख करके देखा था, जो कि हनीकॉम की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल, ए लिटिल रूम, जिसको लैटिन में उसका सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा किसमें? इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने। इन 1674 में एंटोन वॉन लियोनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने लिविंग सेल को, पॉन्ड वाटर के लिविंग सेल को देखा रख करके माइक्रोस्कोप में। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को देखा, बार्क जो होता है ट्री का, वो डेड सेल होता है, उसको उन्होंने देखा था। और इन 1674 में एंटोन वॉन लियोनहॉक ने एक लिविंग सेल को देखा। ठीक है, इन 1678 में एंटोन वॉन लियोनहॉक ने ही देखा, किस चीज़ को देखा? स्पर्म को देखा, है ना, स्पर्म को देखा। और स्पर्म सेल्स ह्यूमन बींग्स का देखा, डॉग का देखा, रैबिट्स का देखा, फ्रॉग्स का देखा, फिश का देखा, इंसेक्ट्स का देखा। ठीक है, इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस प्लांट सेल का, जो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल का न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इन 1839 जे ई पुरकिंजे, जो एक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे, एनिमल फिजियोलॉजिस्ट का मतलब जो एनिमल के फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कैसे फंक्शन करता है हर एक ऑर्गन, किस तरह से फंक्शन करता है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने तो क्या देखा था, चाहे ये एंटोन वॉन लियोनहॉक ने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर देखा था सेल का, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जेई पुरकिंजे ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म को देखा, सेल के अंदर उन्होंने देखा कि एक फ्लूइड है, उसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इन 1866 में हैकल ने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, उनको ढोने वाला, उनको स्टोर करके रखने वाला कौन है? न्यूक्लियस है, ये बताया हैकल ने इन 1866 में। ठीक है, इन 1838 में जैकोब मैथियास स्लाइडन ने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल कंसिस्ट करते हैं, प्लांट्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, इन 1839 में थियोडोर सियोन ने बताया कि पूरे एनिमल्स और प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे सभी सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, वो सेल के बने होते हैं। तो ये धीरे धीरे डिस्कवरी होता गया और सारे लोगों ने अपनी जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाया आगे, और धीरे धीरे उन लोगों ने ये सोचा कि ये सारे जितने भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं उनको मिला करके एक पोस्टुलेट तैयार किया। ठीक है, जिसका नाम उन लोगों ने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का नाम दिया उन्होंने। ये सेल थ्योरी आई
1855 में, ठीक है, 1855 में ये सेल थ्योरी आई, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जो सारे एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके सेल के बारे में वो सुटेबल होता है, सब पे वो लागू होता है, ठीक। एक दो एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है, एक्सेप्शंस भी किसी किसी पोस्टुलेट में है, ठीक। अब सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।